ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज होलाष्टक में किस प्रकार उपासना करनी चाहिए, किन उपासनाओं को करना चाहिए और किन राशि के जातकों को कैसे किस किस प्रकार से उपायों को करना चाहिए, इसके विषय में वार्ता करते हैं। होलाष्टक में किए गए सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का अति उत्तम फल प्राप्त होता है। वार्ता करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को होलाष्टक के समय में हनुमान जी की अथवा भगवती जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। इस राशि के जातक कुछ सूर्य उपासक भी होते हैं। जातकों को प्रतिदिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण को करना चाहिए। इसके पूर्ण होने पर हनुमान जी के समक्ष ही श्री रामचंद्र जी भगवान की महाराज की स्तुति अथवा आरती व हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। सर्वप्रथम हनुमान चालीसा, फिर हनुमानाष्टक और उसके पश्चात बजरंग बाण करना चाहिए। सुंदरकांड और सुंदरकांड के पुनः पश्चात सर्वप्रथम बजरंग बाण, उसके पश्चात हनुमानाष्टक व उसके पश्चात हनुमान चालीसा करनी चाहिए। नित्य इस प्रयोग को करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से पूर्व जिनको किसी प्रकार की बहुत ही अधिक समस्याएं हो रही हों, अर्थात रोग आदि भयंकर पीड़ा हो रही हो अथवा ऋण की अवस्था हो अथवा किसी प्रकार से झगड़ा आदि प्रक्रिया चल रही हो, न्यायालय से संबंधित समस्याएं हो, ऐसे में इस राशि के जातकों को हनुमान जी महाराज के सामने पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए तथा दीपक जलाकर के घी का पंचमुखी दीपक जलाकर के ही इस पूरी प्रक्रिया को करना चाहिए, इस पूरे पाठ को करना चाहिए। अंत में आठवें दिन जब होलिका दहन हो उस दिन मीठे रोट बनाकर होलिका दहन के समय होलिका के हवन में आहुति करना आहुत करना चाहिए। ओम श्री राम दूताय नमः अथवा ओम कपि ध्वजाय नमः मंत्र से ये आहुतियां देनी चाहिए। 108 आहुति आप मीठे रोट से हनुमान जी महाराज को दे सकते हैं। प्रतिदिन एक अनार का भोग लगाना चाहिए। दीपक में 7 लौंग फूल वाली डालनी चाहिए तथा अनार के साथ साथ लाल गुड़ का भोग लगाएं तो अति उत्तम होगा। जो गुड़ लाल देसी गुड़ जो होता है उसका भोग लगाएं तो अति उत्तम होगा। श्री राम भगवान को अंत में प्रतिदिन की प्रक्रिया पूर्ण कर सारी पूजा समर्पित कर दें। पूजा के पूर्व में ही संकल्प आदि प्रक्रिया करें, अर्थात हनुमान जी को समर्पित करें कि हे भगवान, हमें यह समस्या है, इसके लिए हम आपको यह उपासना प्रक्रिया आपकी कर रहे हैं और होलाष्टक तक हम इस अनुष्ठान को करेंगे। इससे अतिरिक्त जो शांति कर्म करना चाहते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयोजन करना चाहते हैं, सुख शांति सौभाग्य के लिए करना चाहते हैं, उन सभी को भी यह प्रक्रिया करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक तथा बजरंग बाण का पाठ करें, मध्य में सुंदरकांड का पाठ करें, उसके पश्चात हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक तथा बजरंग बाण का जिस प्रकार पूर्व कर्म में किया था उसी प्रकार पश्चात कर्म में भी करें। इन जातकों को भी इसी प्रकार आहुत कर्म करना चाहिए। पंचमुखी दीपक न जला करके घी का केवल एक मुखी दीपक जलाएं, अर्थात एक बत्ती का दीपक जलाएं, खड़ी बत्ती का दीपक। पंचमुखी दीपक में 5 बत्तियां होती हैं, एक बत्ती बीच में जलाने के लिए होती है तथा चारों ओर चमुखा दीपक के अनुसार बत्तियां होती हैं। यह दीपक भी घी का जलाना चाहिए। इस प्रक्रिया को करने से निश्चय ही मेष राशि के जातकों को अपने अपने निर्धारित कर्मों में सफलताएं प्राप्त होंगी। यह
अनुभवित, अनुभव में आई हुई साधना है। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकता खत्म होती है और आपको आपके कार्यों में सफलताएं प्राप्त होती हैं। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माता रा आपका कल्याण करें।